हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मास किचन। में आज मैं आपको बताऊंगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। और ये जो रेसिपी है मैं आपको रेस्टोरेंट में जैसे बनाते हैं उसी तरह से बनाना बताऊंगी। और बहुत ही ईजी रेसिपी है, टेस्टी भी बनता है और स्पाइसी भी बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, रेसिपी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी जो है आलू और बैंगन की सब्ज़ी। रेस्टोरेंट टाइप में बनाएंगे हम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मसाले रेडी करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर। और नमक मैंने यहाँ पे लिया है एज़ पर टेस्ट। और यहाँ पे मैंने करीबन 8 चम्मच मैंने यहाँ पे दही लिया है। और सारे मसाले जो हैं इन सारे मसालों को हम दही में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि जब हम सब्ज़ी में दही डालें तो जो दही जो है ना फटे, तो इसलिए हम इसमें सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जो दही है ये मैंने घर पे बनाया है, ये मार्केट का नहीं है। मार्केट का जो दही होता है वो खट्टा होता है लेकिन ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। मैंने इसे घर में जो बनाया था तो इसमें नींबू वगैरह कुछ भी नहीं डाला था खट्टा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारा जो मसाले हैं वो दही में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। उससे हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और मैंने यहाँ पे बैंगन काट के रखे हैं धोके, काफ़ी बड़े बड़े पीसेस में कट किए हैं। अब इसमें मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और इसे मैं करीब 2 मिनट तक ढक के पकाऊंगी क्योंकि ये जो जैसे ही बैंगन जो है तेल में पड़ता है तो तेल जो है छिड़क के गिरता है। 2 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा दिया। हमारे जो बैंगन है थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे और 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। इसमें मैंने कोई मसाला वगैरह नहीं दिया है, थोड़ा सा नमक डाला है बस। अब इनसे 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट बाद हमारे जो बैंगन है अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम उसी कढ़ाई में हम आलू जो है, आलू मैंने एक आलू बड़ा आलू हाफ बॉयल किया था, इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी और इसे भी फ्राई करेंगे। इसमें भी हमें कोई मसाला नहीं डालना है, नमक भी नहीं डालना है, सिर्फ हमें इसे फ्राई करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह से भुनेंगे। इस तरह से हम हिला हिला के इसको भून लेंगे आलू को ताकि ये चारों ओर से अच्छी तरह से पक जाए। अब हमारे जो आलू हैं, आलू भी यहाँ पे भुन गए हैं, हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हींग। अगर आप हींग पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाला यहाँ पे आधा टीस्पून जीरा। ध्यान से यहाँ पे आप फ्राई कीजिएगा सबको, जलाना नहीं है जीरे को। यहाँ पे हम जो फ्लेम है इसको मीडियम रखेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं उसको मैंने पीस के रखे थे ब्लेंडर में। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, बारीक काटिएगा। डाल के हम इन सारे प्याज और जो जीरा है सबको अच्छी तरह से तेल में मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। हमारे जो प्याज हैं अभी थोड़े पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे काट के रखे थे और अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे, इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अच्छी तरह से मैं इनको भी भूनूंगी। करीब करीब 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भूनना है जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू नहीं आ जाती। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले जो है अदरक और लहसुन प्याज वगैरह ये सब भुन चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टमेटो प्यूरी। टमेटो प्यूरी के लिए मैंने यहाँ पे 3 टमेटोज यूज़ किए हैं। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसे काट के भी ऐड कर सकते हैं। यहीं पे टमेटो को मैंने यहाँ पे डाल दिया।
अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि टमाटो भी अच्छी तरह से भुन जाए। आप देख सकते हैं हमारा जो टमाटर है, टमाटर का कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हमें इसी तरह से 2 मिनट हो गए हमारे और टमाटर का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो मसाले हमने बनाया था वो मसाले डालेंगे, जो दही वाला मसाला था। मसाला डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर से, ताकि ये जो मसाले हैं ये मसाले भी भुन जाएं। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद करीब करीब 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। पाँच मिनट बाद हमने ढक्कन हटा के देखा है, हमारे जो मसाले हैं ये पक चुके हैं, इसमें से बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। आप देख सकते हैं सारा सूख चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी दिया है, लेकिन मुझे पानी थोड़ा कम लगा तो मैं इसमें और आधा ग्लास मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। अब मैं इसके जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक मैं इसे और ढक के पकाऊंगी करीब करीब 2 से 3 मिनट। 2-3 मिनट में ही इसमें उबाल आ जाएगा। 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा जो ग्रेवी है इसमें वो उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें जो हमारे जो फ्राई किए हुए जो आलू और बैंगन थे उसे इसमें डालूंगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देख सकते हैं हमने आलू और जो बैंगन है उसे भी इसमें डाल दिया है। अब हम इसे करीब करीब 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे ताकि जो हमारा जो हाफ बॉइल्ड पोटैटोज है वो अच्छी तरह से पक जाए। पाँच मिनट हो चुके हैं, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मसाले और तेल जो है अलग अलग हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी बनी है, खुशबू भी बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसे सब्जी बनता है वैसी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, अब ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। हम इसे अब एक डिश में निकाल लेंगे। सो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे जो आलू और बैंगन की जो रेसिपी है अभी बन के रेडी है। अब ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस रेसिपी को आप दाल या सॉरी आप इसे रोटी या चावल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।